एटीएलआई में आपका स्वागत है। मौजूद हैं सारण के रसूलपुर थाना मुख्यालय के ठीक सामने। बताते चलिए, कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया है, उसी लॉकडाउन में जितने बाहर प्रवासी मजदूर रहते थे वो, मतलब उनकी रोजगार बंद हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, उसी को लेकर कोई पैदल आ रहा है तो कोई बाइक से आ रहा है, और मतलब विगत 10-15 दिन पहले से कुछ ट्रेन चालू हुई तो कुछ लोग ट्रेन से भी आ रहे हैं। तो उसी के लिए रसूलपुर मुख्य थाना के ठीक सामने एक आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से दिखाएं किस प्रकार एक छोटा सा जो टेंट बना हुआ है और उसमें रसूलपुर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। आप अपने कैमरामैन से कहें दिखाएं पहले किस प्रकार जो यहाँ पे जो टेंट बना है दिखाया रहा है, और यहाँ पे जो भी मतलब खाने पीने की सामग्री वो भी रखी हुई है, और साफ सफाई के साथ यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो भी खड़े हुए हैं कि यहाँ पे जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनके लिए जो भी व्यवस्था है, मतलब खाने से लेकर मतलब पानी हर कुछ कि वहाँ के, और जहाँ भी और पास में जाना हो तो उनको यहाँ से भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है। अब दिखा रहे हैं सीधे तस्वीर एटीएन लाइव से किस प्रकार यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर कुछ का पालन किया जा रहा है, और मतलब जो भी भोजन है एकदम साफ सुथरा बना के रखा हुआ है ताकि जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आएँ उनको खिलाया जाए कि इससे वो अपने आराम से घर, क्योंकि जितने मजदूर फंसे थे उनकी लॉकडाउन के चलते फंसे हुए थे, उनकी पैसा सब खत्म हो चुकी है और आ रहे हैं तो उनको खाने के लिए कुछ रास्ते में नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं लोग बिस्कुट और पानी दे रहे हैं। उसी प्रकार रसूलपुर प्रशासन ने ये बहुत अच्छी पहल है, ये कहीं कहीं मतलब देखने को मिला, हमको देखने से तो अभी कहीं नहीं मिला है, लेकिन अभी हम पहुँचे तो यहाँ इतना मतलब ये अच्छी पहल है रसूलपुर प्रशासन की, कहने लायक नहीं। अपने कैमरा पर्सन दिखाएँ किस प्रकार थोड़ा डिस्टेंस के साथ जो भी प्रशासन है लगे हुए हैं ताकि जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आएँ उनको यहाँ पे खाने की इंतजाम कराया जाए। यहाँ पे जो भी व्यवस्था लगाई गई है किनके लिए लगाई गई है? ये रसूलपुर थाना के अंतर्गत ये जो भी व्यवस्था किया गया है नाश्ता वगैरह का, जो दूर दूर से चलकर मजदूर लोग आ रहे हैं उनके लिए लोग व्यवस्था लगाया गया है, और यहाँ से बनकर जो भी अपना घर जा रहे हैं उनको छोड़ दिया गया। आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, यहाँ पे ये सब व्यवस्था लगाई गई है किनके लिए लगाई गई है? ये मजदूरों के लिए लगाई गई है जो कि मतलब जो पैदल आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए मतलब व्यवस्था है पानी नाश्ता खाना सब कुछ का, ये रसूलपुर थाना के अंतर्गत मतलब हो रहा है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़ सिवान, मोबाइल नंबर 9934019286।